प्रदेश सरकार द्वारा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार को कंडाघाट के साधुपुर में 93 बीघा भूमि लीज देने के बाद अब बिल्डिंग का कब्जा भी पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को दे दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने कंडाघाट के साधुपुल में 93 बीघा भूमि 99 साल के लिए पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार को सौंपने के बाद सरकार ने इस भूमि पर अपना कब्जा किया हुआ था, उस कब्जे को भी बुधवार को हटा लिया गया है। बुधवार को तहसीलदार कंडाघाट ओपी मेहता ने कंडाघाट के एसडीएम डॉक्टर संजीव धीमान की उपस्थिति में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर कुलदीप सिंह चौहान, सत्येंद्र सैनी एडवोकेट को कब्जा दे दिया है। विदित रहे की पूर्व कांग्रेस सरकार ने साधुपुल में इस भूमि की लीज को रद्द कर दिया था, लेकिन भाजपा ने सत्ता संभालने के बाद बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार के एडवोकेट सत्येंद्र सैनी ने कहा कि सरकार से उन्होंने कब्जा ले लिया है, अब सबसे पहले इस भवन की मेंटेनेंस व साफ सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर औषधीय जड़ी बूटियों का संरक्षण, योग व चिकित्सक सुविधाओं का समावेश होगा। पतंजलि योगपीठ साधुपुल में आज हैंडिंग और टेक ओवर की प्रक्रिया चल रही है और पतंजलि योगपीठ में आज जो हमारे सुपरवाइजर साहब थे उन्होंने पूरे आइटम्स टेक ओवर कर लिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड से, और इस कार्य में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और हमको सारे के सब आइटम मिल गए हैं। हाँ, जो सीमेंट थे 1500 या 2000 बैग है उनका सोलिडिफिकेशन हो गया और कुछ टाइल्स भी टूटी हुई मिली, वैसे सर्व आइटम हमको हम लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं। मेंटेनेंस करके पूरा मेंटेन करके जो भी हमारी ये गतिविधियां हैं, अपना आयुर्वेदिक का है, योग का है, अपना पंचकर्मा षटकर्मा और अन्य जो गतिविधियां हैं इसको सुचारू रूप से चलाए जाएंगे, और किसानों को जो भी यहाँ से जो ट्रेनिंग देकर उनसे उपजाऊ लेंगे, जो जड़ी बूटियां लेंगे वो भी हम बाई बैक करके लेंगे ताकि यहाँ के लोगों का उत्थान हो सके और यहाँ के लोगों का जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। वहीं एसडीएम कंडाघाट डॉक्टर संजीव धीमान ने कहा कि बुधवार को पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार से आए प्रतिनिधियों को इस भूमि व जो यहां भवन बनाया गया था उसका कब्जा जो सरकार ने किया था उसे वापस कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने जो यहां पुलिस तैनात की थी उसे भी हटा दिया गया है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है हिमाचल प्रदेश सरकार का वो गत दिवस में यहाँ पर संपन्न हुआ था, जिसके अंतर्गत जो इनको पहले भूमि और भूमि दी गई थी गतिविधियों के लिए वो जो है वो किन्हीं कारणों से उसको जो है वो सरकार ने दोबारा से वापस ले लिया था, और अब जो है वो दोबारा से वो भूमि और जो बिल्डिंग इनके द्वारा निर्मित की गई थी वो नए एग्रीमेंट के अंतर्गत इनको वापस कर दी गई थी, परंतु भूमि का पोजेशन और साथ ही साथ जो एसेट्स थे उनका पोजेशन इनको नहीं दे पाए थे। वो आज जो है वो पूरी गतिविधि जो है वो पूरी हुई है और इनको जो बिल्डिंग के साथ साथ भूमि का पोजेशन भी हस्तांतरण जो है वो कर दिया गया है। जो भी प्रतिनिधि पतंजलि योगपीठ के यहाँ पर आए थे उनको पूर्ण रूप से सारी लिस्ट भी और अन्य जो भी सारी सामग्री है वो सारी दिखाई गई। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।